परमेश्वर, आप देख रहे हैं मुफ्त की डील। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपके फोन पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A51। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो इसमें आपको सब चीज़ें, इसकी प्राइस, डिस्प्ले परफॉर्मेंस, कैमरा, सब वगैरह चीज़ें देखने मिल जाएगी आगे देखने पर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसके रिव्यू को। तो दोस्तों, प्राइस देख लेते हैं। तो इसकी प्राइस है 23,999 रुपये। और दोस्तों, इसकी प्राइस कभी भी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट में देखने मिल जाता है और फ्लिपकार्ट मेरा खुद का नहीं है, इसलिए इसकी प्राइस चेंज हो सकती है। तो आप कमेंट में, आप ऐसे ही कमेंट मत करना कि फ्लिपकार्ट रेस द प्राइस बाय 1,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, क्योंकि वो मेरा फ्लिपकार्ट है ही नहीं, इसलिए प्राइस कभी भी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ लैपटॉप के जो रिव्यू मैंने किया था उसमें हुई है, 2-3 लोगों ने ऐसा कमेंट किया था इसीलिए। डिस्प्ले देख लेते हैं। तो 6.5 इंच की बेजललेस एंड पंच होल डिस्प्ले आपको देखने मिल जाती है। सुपर एमोल्ड आपका डिस्प्ले का टाइप देखने मिल जाता है और 1080x2400 पिक्सल्स का आपको स्क्रीन का रिजोल्यूशन देखने मिल जाता है। 405 पिक्सल पर इंच की आपको पिक्सल डेंसिटी भी देखने मिल जाएगी। परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 6 GB की रैम देखने मिल जाती है, ऑक्टा कोर आपको देखने मिल जाएगा प्रोसेसर, और सैमसंग एक्सिनोस 9 ऑक्टा 9611 का आपको चिपसेट देखने मिल जाता है। माली G72 MP3 का ग्राफिक देखने मिल जाता है। एंड्रॉयड का वर्जन 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ़ोन के अंदर पहले से ही देखने मिल जाता है। दोस्तों, ये एंड्रॉयड का V10 आजकल कुछ ही फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ज़्यादातर फ़ोन में आपको एंड्रॉयड का वर्जन 9 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है। तो कैमरा देख लेते हैं। तो 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको क्वाड प्राइमरी कैमरास देखने मिल जाता है F2.0 फिजिकल अपर्चर के साथ, जो कि आपका इमेज रिजोल्यूशन देगा 8,000 बाई 6,000 पिक्सल्स का। तो इसका कैमरा तो बहुत ही बढ़िया है रेयर साइड पर। फ्रंट में देख लेते हैं। तो 32 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने मिल जाता है F2.2 फिजिकल अपर्चर के साथ। तो फ्रंट में भी बहुत ही बढ़िया कैमरा आपको मिलेगा और रियर साइड पर भी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होगी। तो स्टोरेज एंड बैटरी देख लेते हैं। तो 128 GB की आपको इंटरनल मेमोरी देखने मिल जाती है, जो कि आप 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने मिल जाती है। बैटरी का टाइप आपको ली आयन की देखने मिल जाती है और क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। दोस्तों, ये फ़ोन स्टोरेज एंड बैटरी में भी बढ़िया है, कैमरा में भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस में भी बढ़िया है, डिस्प्ले में भी बढ़िया है, और प्राइस भी आपके बजट के अंदर है। 23,999 का फ़ोन है ये। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो ड्यूअल सिम 4G वोल्टेज सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है, वाईफाई डायरेक्ट एंड मोबाइल सपोर्ट का फीचर देखने मिल जाता है, ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 आपको फ़ोन के अंदर देखने मिल जाता है, GPS विथ AGPS ग्लोनास, NFC सपोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है, और जो चार्जिंग का पोर्ट है वो आजकल SUCL USB टाइप सी का ही है। ज़्यादातर फ़ोन में USB टाइप सी का भी आने लगा है, वरना पहले तो वो ही था USB to Micro USB वाला पोर्ट, माइक्रो USB वाला जो पोर्ट होता है वही था। आज भी कई सारे फ़ोन में आता है, लेकिन ज़्यादातर USB टाइप सी का देखने मिलता है। तो इसमें आपको USB टाइप सी का चार्जिंग का पोर्ट देखने मिल जाता है। तो मल्टीमीडिया फीचर देख लेते हैं। लाउड स्पीकर आपको अवेलेबल है, 3.5 का ऑडियो का पोर्ट आपको देखने मिल जाता है, ऑडियो फीचर आपको डॉल्बी एटमॉस का देखने मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अवेलेबल है और उसका पोजीशन आपको ऑन स्क्रीन देखने मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह फ़ोन खरीदना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और दोस्तों, मेरी वेबसाइट भी है muftkidil.com.in, आप जो भी लगाए पीछे वो आ जाएगी मेरी वेबसाइट muftkidil। और दोस्तों, आप वहाँ से आपके बजट के अंदर जो भी चीज़ आपको खरीद नहीं है आप वहाँ से खरीद सकते हैं,
उसमें आपको फ्रीज देखने मिल जाता है, टीवी है, एसी है, स्पीकर है, ब्लूटूथ हेडफोन्स है वगैरह, सब चीज़ें आपको उसके अंदर देखने मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।